भागलपुर नगर निगम परिसर में वेंडरों को सरकार के द्वारा दिए जा रहे सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से दो दिवसीय शिविर का आज प्रारंभ हुआ। लगाए गए कैंप में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत इससे लाभान्वित सभी वेंडरों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन जागृति योजना BOCW में पंजीकरण, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और एक देश एक राशन कार्ड योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित सभी योजनाओं की जानकारी दी गई और आर्थिक रूप से कमजोर इन वेंडरों को इन सभी योजनाओं का लाभ लेने को लेकर प्रोत्साहित किया गया। नगर निगम ने नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का लाभ उठा चुके हैं उन सभी को सर्वांगीण विकास को लेकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं की जानकारी को और इसकी क्रियान्वयन कराने को लेकर दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम क्षेत्र के वेंडर मौजूद थे। हाँ, ये सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है। इसमें सभी नगर यूएलबी में जो चिन्हित हैं बिहार में, उन सभी जगहों पर शिविर का आयोजन किया जाना था। ये दो दिवसीय शिविर भागलपुर नगर निगम में ही आयोजित की गई है। इसमें वेंडरों से संबंधित योजनाओं से संबंधित है, जिसमें वेंडरों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित करना है। उसी क्रम में, इस लाभान्वित क्रम में अन्य संस्थाएँ या विभागें हैं जिसमें जिनसे भी इन्हों वेंडरों को लाभान्वित किया जाना है। इसलिए सभी विभागों को यहाँ शिविर आयोजित किया गया है ताकि वेंडर को एक एक जगह पर एक साथ कई योजनाओं से लाभ दिया जा सके। सर, कितने वेंडर को इसमें लिया जा रहा है? पार्टिसिपेट है, हमारे पार्टिसिपेंट की संख्या ज्यादा है। जो भी आ जाएंगे सभी को पूर्व से सूचना दी गई है और सभी कंसर्निंग विभाग को सूचना दी गई है। जो लाभुक उपस्थित होंगे उन्हें मदद की जाएगी। किस तरह के कागजात सर लग रहे हैं? कागजात का क्या लग रहा है? कागजात के जो हमसे पूर्व से चिन्हित हैं, जो हमारे वेंडर चिन्हित हैं पूर्व से, तो उनमें कोई कागज नहीं। जो बैंकर्स का नॉर्म्स है वो पूरा करेंगे और हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क है उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो हमारे वो वेंडर हैं, तो उनको लाभ दिया जाएगा। BNP न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।